जब तक इंजीनियरिंग नहीं किए थे तब तक ऐसा लगता था कि कोई बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि परिवार और समाज ने ऐसा ही बताया था। जॉब में गए तो पता चला कोई ख़ास बात नहीं है, और संयोग से मैं अमेरिकन एम्बेसी में कुछ समय रहा तो वहाँ एक स्पेशल स्टेटस मिलता था। तो शुरू में कुछ दिन अच्छा लगता था, फिर तो बाद में बहुत बोर लगने लगा। तो जॉब में जो भी कुछ नयापन और जो भी कुछ हो सकता है, वो 3 साल देखने के बाद ऐसा लगा कि दो वक्त की रोटी का मामला है। तो इस बीच में जॉब ठीक नहीं है बोल के 2-3 जॉब भी चेंज करके देखा। धीरे से समझ में आया प्रॉब्लम जॉब की नहीं है, प्रॉब्लम मेरी है। तो वहाँ से ज़िंदगी की तलाश शुरू होती है। तो ज़िंदगी की तलाश शुरू होती है तो गांधी जी को पढ़ा, और जो कुछ आदमी विचार कुछ विचारकों को जो भी स्थापित होते हैं उनको पढ़ते ही हैं। तो लगता था कि कुछ मीनिंगफुल किया जाए, कुछ सार्थक किया जाए, लेकिन क्या सार्थक किया जाए इसकी भी बहुत समझ नहीं थी। तो जो सामने आता गया उसको करते गए। 3 साल कुछ किया, फिर उसका अधूरापन देखा, फिर 3 साल कोई दूसरा प्रोजेक्ट ले लिया। ऐसे करते करते 3-3 साल के टुकड़े में 6-8 साल निकल गए। लेकिन किन्हीं सॉल्यूशन को इस्टेब्लिश कर पाना, तो ज़िंदगी में जब वेस्टर्न यूपी में काम किया था और स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो मैं ऐसी संस्थाओं से मिल पाया जहां मेरे को ये अश्योरिटी हो गई कि ज़िंदगी में मैं जितना पैसा चाहूं उतना पैसा फंडिंग के रूप में मिल जाएगा, जितना चाहूं उतना मिल जाएगा। पर मेरी वो तलाश नहीं थी। तो मैं सारे फंडिंग देने वालों से और सारे लोगों से, बड़े जिनको बड़े लोग कहा जाता था, उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता था, पैसा नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। तुमने ग्रामीण भारत के किसी गांव को खड़ा किया हो और तुम्हारे हटने के 10 साल भी वो खड़ा हो, आज 70 साल की आज़ादी के बाद कितने गांव ऐसे हैं जिनके बाहर ये बोर्ड लग पाया हो कि अब हमको अनुदान की आवश्यकता नहीं है, 70 साल के बाद अब हम अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, अब हम दूसरे लोगों के लिए सहयोगी हो सकते हैं, कितने गांव ऐसा बोर्ड लगा पाए। तो दोस्तों, समय के साथ साथ मानसिक गरीबी बढ़ती गई, अव्यवस्थाएं बढ़ती गईं। यदि पिछले 40 सालों को देखते हैं तो राजनेताओं के प्रति हमारा सम्मान बढ़ा है कि घटा है? जोर से बोलो। एजुकेशन सिस्टम के प्रति हमारा सम्मान बढ़ा है कि घटा है? पुलिस के प्रति हमारा सम्मान बढ़ा है कि घटा है? इवन टीचर्स के प्रति हमारा सम्मान बढ़ता गया है कि घटता गया है? और नज़दीक आऊं तो धीरे धीरे माँ बाप के प्रति भी उम्र बढ़ने के साथ साथ सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? इसमें थोड़ा सा आपको बोलने में दिक्कत होगी ना? यहाँ तुलनात्मक कुछ बेहतर स्थितियाँ भी हैं, है ना? अभी भी शिष्टाचार बचा है, परिवार बचा है, लेकिन दिल्ली जैसी जगहों में तो काफ़ी आर पार है और काफ़ी खुल के बात हो जाती है। तो दोस्तों, मेरे को एक बात समझ में आई कि जब तक एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की अच्छाई का, श्रेष्ठता का सम्मान करता है तो वो उसके सामने कैसा प्रस्तुत होता है। जब तक एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को श्रेष्ठ मानता है, अपने से बड़ा मानता है, समझदार मानता है, आचरण में श्रेष्ठ मानता है, तो उसके सामने वो कैसा प्रस्तुत होता है? ईगो से, अहंकार से, बेरुखी से, या सम्मान से, सरलता से? तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को श्रेष्ठ मानता है तो उसके साथ सम्मान से प्रस्तुत होता है, सरलता से प्रस्तुत होता है। वो अपने पद में कितना ही बड़ा हो, लेकिन जिसका वो सम्मान करता है जब उसके सामने आता है तो पद बाजू में रख देता है और सरलता से प्रस्तुत होता है। दोस्तों, यदि हमारे बच्चों ने हमारे सामने एरोगेंट होके प्रस्तुत होना शुरू कर दिया है, टीचर्स के सामने एरोगेंट होके प्रस्तुत होना शुरू कर दिया है, मुंह पे जवाब देना शुरू कर दिया है, बॉडी लैंग्वेज बदल गई है,
इसका मतलब क्या है? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा हो रहा है, हाथ उठाइए, है ना? ऐसा हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब, इसका मतलब पिछले 40 सालों की यात्रा में उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का टीचर्स और पेरेंट्स के प्रति सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है या घटता हुआ दिखाई देता है, और अगले 40 सालों में ये बढ़ने की ओर जाएगा या घटने की ओर जाएगा, और धीरे धीरे घटेगा कि तेजी से घटेगा, है ना? तो यदि ये तेजी से घटेगा, मुझको लगता है कि सबसे बड़ी गरीबी इस बात की है कि एक युवा के सामने कोई ऐसा व्यक्तित्व ही नहीं है जिसके सामने वो सर झुका सके। गरीबी इस बात की है कि एक युवा के सामने, एक टीनेज के सामने कोई ऐसा व्यक्तित्व ही ना हो जिसके सामने उसका दिल से सर झुकाने का मन करे, जिसके सामने दिल से सर झुकाने का मन करता है, उसका जैसा बनने का मन करता है, वहाँ अपने तन मन धन को लगाने का मन करता है, वहाँ अपनी जिंदगी की सारी ऊर्जा को चैनलाइज करने का मन करता है, यदि मेरे सामने कोई श्रेष्ठ मापदंड है ही नहीं तो मैं मेरी ताकत को कहाँ लगाऊंगा? बात पहुंच रही? यदि मेरे सामने कोई श्रेष्ठ मापदंड है ही नहीं, मेरे सामने पैसे वाले लोग हैं, मेरे सामने पद वाले लोग हैं, तो पद वाले हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्तित्व दिखाई दे, भाई अपने मोहल्ले, अपने बच्चे को बताना हो, देखो इंजीनियर कैसा होता है, डॉक्टर कैसा होता है, तो या तो घर में मिल जाएगा या पड़ोस में मिल जाएगा। आपको अपने बच्चे को बताना हो कि बढ़िया आदमी कैसा होता है, घर में चर्चा किस बात की होती है, बड़ा आदमी बनना है कि बढ़िया आदमी बनना है? बड़ा आदमी बनना है कि बढ़िया आदमी बनना है?